सदासी नो सदासी तदानी नासिद्रजो नो व्योमा परो यत् किमावरीवः कुह कस्य शर्मन्नम्भः किमासीत् गहनं गभीरं सृष्टि से पहले सत नहीं था असत भी नहीं अंतरिक्ष भी नहीं आकाश भी नहीं था छिपा था क्या कहां किसने ढका था उस पल तो अगम अतल जल भी कहां था खेती के विकास के साथ जब श्रम का विभाजन हुआ तो लोगों ने प्रबंध व्यवस्था के लिए एक सरदार चुनने की जरूरत महसूस की। कबीले के लोगों के साथ सरदार भी खेत में काम करता और पैदावार का बंटवारा करना उसी की जिम्मेदारी होती। पर जल्द ही सरदार का ओहदा पुश्तैनी हो गया और फिर उसमें और किसी राजा में फर्क बहुत कम रह गया। उस वक्त हिंदुस्तान में बहुत से छोटे राज्य फैले हुए थे। हर शहर और उससे जुड़े कुछ गांव और खेत की अपनी अलग हुकूमत हुआ करती थी। इस तरह के राज्य नगर गणतंत्र थे जिनमें कोई एक राजा नहीं बल्कि शासन के लिए चुने हुए नुमाइंदों की एक सभा होती थी। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र के पास लिच्छवियों का नगर था वैशाली। वहां के गणसंघ का शासक नायक कहलाता था और नायक का चुनाव कुलीन जनों की सभा किया करती थी। उस समय के प्रमुख राजतंत्र थे मगध, विदेह, कौशल, काशी और पांचाल। ईसा पूर्व 7वीं शताब्दी तक अलग अलग कबीलों ने 16 बड़े राज्यों या जनपदों की स्थापना की। ये जनपद दो तरह के थे, राजतंत्र जो गंगा के मैदानों में फैले थे और गणसंघ जो हिमालय की तराई और उत्तर पश्चिमी हिस्सों में। लेकिन चाहे वो राजतंत्र हो या गणसंघ, बुद्ध काल तक सत्ता पर आधारित राज्य की पूर्ण रूप से स्थापना हो चुकी थी। पप्पा, मैं उतर कर गाड़ी के साथ साथ चलूं? अभी से इतनी उत्सुकता? आज ही तो यात्रा शुरू हुई है, तू थक जाएगा। क्या मगध राष्ट्र इतना बड़ा है? सो तो है, हमारे प्रदेश से भी बड़ा। बहुत घने जंगल हैं। और एक राजतंत्र और गण व्यवस्था में कई अंतर थे। मगध और कौशल जैसे साम्राज्यों में किसानों से मिलने वाले पूरे लगान पर राजा का अधिकार था, जबकि गणसंघ में सारे प्रमुख सदस्य आपस में लगान का बंटवारा करते थे। गणसंघों की दूसरी विशेषता थी परिषद या सामूहिक बैठक। लेकिन राजतंत्र से बढ़ते संघर्ष का नतीजा था गणसंघों का बिखराव और परिषदों का अंत। पप्पा, ये कौन लोग हैं? शाक्य गणराज्य के लोग होंगे।
ये क्षेत्र तो उन्हीं का है, पर ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? डरने की कोई बात नहीं, शाक्य गणराज के लोगों ने हमें कभी नहीं सताया। चलो बेटा आगे बढ़े। किस ओर जा रहे हो? पाटलिपुत्र। माल क्या है? यही व्यवसाय का सामान, कपड़ा लत्ता। चुंगी देनी होगी। चुंगी किस लिए? मार्क कर। वो तो मैं दे चुका हूँ। किसे दे चुके हो? कौशल राज्य के राज्य अधिकारी कोष में। वो सब हम नहीं जानते, ये शाक्य गणराज्य के सभा की ओर से कर है। एक ही मार्क के उपयोग के लिए दो दो बार कर मैं क्यों दूं? देखिए, मेरा एक छोटा कारवां है, मैं एक निम्न वणिक हूँ, दो दो बार कर चुकाने की ताकत मुझ में नहीं है। फिर यहाँ से नहीं जा सकते, जाओ सारा माल उतार लो। अरे अरे ये क्या कर रहे हैं आप लोग? हट जाइए, तो बच्चा छोड़िए, उसको छोड़ दीजिए, मत कीजिए। अरे जाने दीजिए। तुम्हें अच्छी तरह से ज्ञान है कि ये व्यापारी क्या नाम है इसका? वसीथक। हाँ, व्यापारी वसीथक। क्या वो निश्चय ही कौशल राज्य का निवासी है? जी महाराज, कौशल व्यापार शनि से भी पता करके आया, सामान्य सदस्य, वैसे छोटा मोटा व्यापार है उनका। और उसके इकलौते बेटे की हत्या हुई? जी महाराज, बहुत बुरी तरह से मारा गया, वो तो अभी अबोध बालक ही था। अच्छा, तुम्हारा क्या विचार है? शाह के घनसंघ को उस मार्ग पर चुंगी कर लगाने का कोई अधिकार नहीं है महाराज। वो अच्छी तरह जानते हैं कि वहां का मार्ग कर हम पहले ही नियमित रूप से प्राप्त करते आए हैं। कौन कहता है कि उन्हें कोई अधिकार नहीं? मार्ग उनके क्षेत्र से होकर निकलता है, सामान्यतः उनमें और हम में चुंगी कर बांटने का समझौता होना चाहिए, परंतु यह देखते हुए कि चोर उचकों के साथ समझौता करें कभी नहीं। अब शाक्य गणराज्य ने अपने आप को स्वयं फंसा लिया है, हमें अब उन्हें समाप्त करने का एक अच्छा बहाना मिला है। क्यों गुरु जी, आपका क्या विचार है? जितना शीघ्र शुभ कार्य हो जाए उतना ही अच्छा। वे लोग भ्रष्ट हैं, यज्ञ दान बलि में उनका विश्वास नहीं, ब्राह्मणों का आदर नहीं। यदि आप युद्ध करना चाहते हैं महाराज, तो याद रहे उनका हर सदस्य सशस्त्र सैनिक है, और हमारी सेना में लड़ने वाले बहुत कम हैं। भर्ती नहीं करेंगे तो लड़ना निरर्थक होगा महाराज। सेनापति अम्बरीश, आपका यह तर्क ठीक नहीं है। हमारी सेना इतनी कमजोर नहीं है कि शाक्य गणराज का विनाश न कर सके, और फिर अधिक सैनिक भर्ती करने के लिए साधन कहां से लाऊं? कर बढ़ाइए। कर बढ़ाना आसान है अम्बरीश, किंतु समेटना कठिन। सेनापति को याद नहीं शायद कि पिछले माह कर राशि दुगनी कर दी गई है। राज्य की भलाई के लिए राजा जब चाहे कर बढ़ा सकता है। तब भी जब यह राशि एक पूरे गणराज्य के विनाश पर खर्च होगी, क्या शाक्य गणराज्य को अस्तित्व का उतना अधिकार नहीं जितना कौशल राज्य को है? नहीं, अधिकार नहीं है। तुम इतने सालों से हमारे सेवक रह चुके हो, अब भी गणराजों के बारे में उल्टा सीधा सोचते हो। गणराजों से हमारी शोभा दब जाती है, हम आगे नहीं बढ़ सकते, और फिर उनके पास उपजाऊ क्षेत्र है, वो हमारा व्यापार मार्ग कभी नहीं रोक सकते। हमारी प्रजा हमें एकमात्र शासक स्वीकारती है, और बदले में हम उनकी रक्षा करते हैं, किंतु गणराज्य के लोग कुएं के मेंढक जैसे हैं, वो किसी के सामने झुकना नहीं चाहते। महाराज, मेरे अपने प्रियजन मल्ला गणराज्य के सदस्य हैं, और मैं उनका विनाश नहीं चाहता। वो शायद बच जाएंगे, क्योंकि उन्हें शाक्यों जैसा झूठा अभिमान नहीं है, किंतु शाक्यों को मैं क्षमा नहीं कर सकता। महाराज प्रसन्नजीत, हमारे पिता ने उनसे एक क्षत्रिय वधु की मांग की थी, तो क्या किया था उन्होंने? अपनी एक दासी भेजी। मेरे पिता एक शाक्य स्त्री से विवाह के योग्य नहीं थे क्या? मेरी अपनी माता उनकी दासी रह चुकी है, मैं उन्हें क्षमा कैसे कर सकता हूं? नहीं, कभी नहीं। महाराज, आपका क्रोध और दुख अपनी जगह पर उचित है, परंतु गणराज्य और साम्राज्य दोनों के अधिकार एक हैं,
और गणराज्य अपने अस्तित्व के लिए मर मिटने को तैयार। उन्हें विध्वस्त कर देना चाहिए उन अधःपतित क्षत्रियों को जो वैदिक रीत नहीं मानते, वे विधर्मी जो होम हवन यज्ञ और बलि को नकारते हैं, उनका अंत निश्चित है। हाँ, उनका अंत निश्चित है। क्या राज्य और शासन होम और बलिदान पर निर्भर है? अवश्य है। यदि महाराज विरुद्ध का अनुमति दें तो मैं अपने शास्त्रों के विषय में कुछ कहूं। अवश्य। राज्य और राजा दोनों का साथ है। ये तब हुआ जब मनुपुत्र अंगा का पुत्र वेन राजा बना। ऋषियों ने उसका अभिषेक किया और उसने चारों ओर यह घोषणा करवाई कि वेन आज से संसार का स्वामी है, उसी के नाम से बलि और आहुति दी जाएगी। तो ऋषियों ने कहा जिस राज्य में आहुति देकर हरि की पूजा की जाती है उसके राजा की सारी इच्छाएं हरि पूरा करते हैं। तो वेन ने कहा कौन है ये हरि? क्या तुम लोग नहीं जानते कि सारे देवता जो शाप और वरदान, सुख और दुख देते हैं, वो सब उसी व्यक्ति में निवास करते हैं जिसे राजा कहते हैं। ऋषियों ने क्रोध में कहा राजन इतना अभिमान ठीक नहीं, हरि की बराबरी का दुस्साहस न करो। वेन ने कहा कि ऋषियों बिना हरि के तुम कुछ भी नहीं हो, यज्ञ और बलिदान के बिना तुम मुझ पर अपनी धौंस नहीं चला सकते। और उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि यदि ऋषि पूजा करने के लिए तैयार नहीं होते तो उन्हें यहां से खदेड़ दिया जाए। ऋषि वहीं अड़ गए और चिल्लाने लगे मारो मारो इस दुष्ट को, जो हरि की निंदा करे ऐसे राजा को जीने का कोई अधिकार नहीं। और यज्ञ के लिए तैयार कुशाओं से उसे मारने लगे। कुशाएं तलवार बन गई और राजा वेन वहीं ढेर हो गया। राजा वेन की मृत्यु से सारा आकाश धूल के बादलों से ढक गया। नागरिक भाग आए, कहने लगे ये क्या, हमारे राजा को मार डाला? राजा के बिना हमारी रक्षा कौन करेगा? चोर लुटेरे नागरिकों की संपत्ति पर अधिकार जमाते फिर रहे हैं, ये धूल इसीलिए उड़ रही है। ऋषियों ने फिर निर्णय किया कि राज्य में व्यवस्था के लिए तुरंत किसी और को राजा बनाया जाना चाहिए। वो उस पुत्रहीन मृत राजा की जंगा को सहलाने लगे। एक क्रूर सा मनुष्य उत्पन्न हुआ। ऋषियों ने जब उसे देखा तो बोले अरे ये तो बहुत क्रूर है, ये तो राजा नहीं बन सकता, जाओ इसे कहीं छोड़ाओ। सैनिक उसे दूर कहीं जंगल में छोड़ आए और तब से निषाद जाति को जंगल से बाहर आने की अनुमति नहीं। ऋषि बोले निषाद ने जन्म लेकर वेन के पापों को उसके शरीर से निचोड़ लिया है, अब हमें एक और पुत्र चाहिए जिसे राजा बनाया जा सके। वेन की दाहिनी भुजा मली तो उसमें से अस्त्र शस्त्र कवच धारण किए अग्नि के समान प्रकाशवान एक पुरुष प्रकट हुआ, पृथु। पृथु बोले हे मुनिगण, मुझे धर्म की मर्यादाओं का सूक्ष्म ज्ञान प्राप्त है, मैं आपके सभी आदेशों का निसंकोच पालन करूंगा। पृथु ने लोगों का रंजन किया इसीलिए उसे राजन कहा गया। उसने ब्राह्मणों के क्षत अर्थात घावों को भरा इसलिए उसे क्षत्रिय कहा गया। उसी के शासनकाल में दुनिया सद्भाव और सज्जनता के लिए प्रख्यात हुई इसीलिए उसे पृथु की बेटी पृथ्वी कहा गया। तथागत गौतम बुद्ध ने कहा है कि वे राजपुरुष जो समृद्ध और संपन्न राज्यों पर शासन करते हैं अपनी अतृप्त इच्छाओं की पूर्ति के लिए अपने लोभ का उपयोग दूसरों के विरुद्ध करते हैं। यदि ऐसे लोग नश्वरता के प्रवाह में अपने लोभ और शारीरिक सुखों के लिए लगातार बढ़ते चले गए तो भला कौन इस पृथ्वी पर सुख से रह सकता है? आचार्य बृहस्पति ने कहा है कि यदि राजा का भय न हो तो लोग एक दूसरे को नोच खाकर तबाह न कर डालेंगे। समाज आधारित है कृषि और व्यापार पर और उसकी रक्षा करते हैं वेद, और इन सबों की रक्षा राजा अपने कर्तव्यों का पालन करके करता है। किसी भी व्यक्ति को राजा को सामान्य व्यक्ति समझकर नहीं चलना चाहिए। राजा मनुष्य के रूप में देवता है। राजा के विरुद्ध चलकर कोई भी मनुष्य सुखी नहीं रह सकता। सार्ध अति उत्तम मंत्री वसाकार। आय दिग्गा, अब तो आपका संदेह दूर हो गया है, अब और कुछ कहने की आवश्यकता नहीं। सेनापति अम्बरीश, शाक्य गण राज्य के नायक को हमारा संदेश भिजवाइए। हमारा दूत उनसे कहे कि हम उन्हें अंतिम चेतावनी दे रहे हैं, या वो स्वेच्छा से आत्मसमर्पण करें या फिर अपने विनाश की तैयारी करें।
परिषद का कोई सदस्य धराते देख रहा है क्या? जी नहीं महासम्मत, अब कब तक और प्रतीक्षा करें नायक महानामा? इस बार तो आपको ही गर्सन की ओर से निर्णय करना होगा। हम ये तीसरा चक्कर लगा रहे हैं और आपकी परिषद की बैठक ही नहीं हो पाती। थोड़ा धीरज रखें श्री सेठ, वो आते ही होंगे। ये एक गहन समस्या है। देखिए, महामार्ग पर सैनिक बल हम व्यापारियों की सुरक्षा करने के लिए है, उनका वध करने के लिए नहीं। कौशल व्यापार श्रेणी ने हमसे इसकी कड़ी निंदा की है और वैसे ही उन लोगों से संपर्क रखना कठिन हो गया है, शाह के गर्सन और कौशल राज के द्वेष के कारण। हम अपनी गलती स्वीकार करते हैं। हमें खेद है कि हमारे सैनिकों की नासमझी की वजह से एक निर्दोष की हत्या हुई। ये सब ठीक है नायक महानामा, पर ये कब तक चलता रहेगा? हाँ, शाक के गणसंघ टूट कर बिखरने लगा है। हमारी व्यापार श्रेणी ने आपसे संधि की तो केवल इसलिए कि हमारे व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। बदले में व्यापारी आपको लाभ का एक हिस्सा देते हैं। हमने कोई भूल नहीं की तो परिषद को भी अपना कर्तव्य निभाना होगा, पर जब परिषद की बैठक ही नहीं हो पाती तो निर्णय कौन करेगा? इसीलिए इस ढील से हमारे लाभ हमारे व्यापार में भी ढील होती जा रही है। कब तक नुकसान उठाएंगे हम? आप बात को बड़ा छड़ा करके कह रहे हैं। अब चुंगी के ही मामले को लीजिए, हम महामार्ग के उपयोग का पूरा कर देते हैं, ऊपर से आपने भी कर लगा दिया। अरे क्यों दो बार कर दें? और ये मार्ग तो कई गर्संगों के क्षेत्र से होकर जाता है, हर एक को अलग अलग कर देना होगा। इस तरह तो हमारे लाभ की वृद्धि हो चुकी। जब आप कौशल साम्राज्य को कर दे सकते हैं तो हमें क्यों नहीं? और आप ये प्रश्न कौशल साम्राज्य से क्यों नहीं उठाते? महासम्मत, आप ये मत समझिए कि वो लोग आपकी तरह हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। कल ही उनका प्रतिनिधि एक सुझाव लेकर आया था, अगर हम उनकी बात मान लेते हैं तो हमें काफी फायदा होगा। इसका मतलब आप उनके साथ संबंध रखने वाले हैं? क्यों नहीं, इसमें बुराई क्या है? अगर कौशल साम्राज्य के साथ हम समझौता कर लेते हैं तो महाराज विरूढ़क ने हमें वचन दिया है कि मगध आते सारे महामार्गों पर हमें वश में एक ही बार चुंगी देनी पड़ेगी। इससे हम पे जो भार है वो भी कम हो जाएगा और बार बार कर देने का झंझट भी नहीं रहेगा। ऐसा वचन वो किस आधार पर दे सकते हैं? महामार्ग कई गढ़संगों के क्षेत्रों से होकर के गुजरता है और वो सबके सब हाथ पर हाथ रख करके बैठने वाले नहीं। ये कौशल साम्राज्य जाने और गढ़संग जाने, हमारे लिए तो बड़ी सुविधा रहेगी। और जिस प्रकार आपकी परिषद कार्य कर रही है आजकल, स्पष्ट है कि महाराज विरूढ़क का पलड़ा भारी है। महाराज विरूढ़क हमें रौंदना चाहते हैं, हमें कुचलना चाहते हैं। यदि मगध साम्राज्य ने लिच्छावी गणसंघ को नष्ट कर दिया, यह एक योजना है। प्रेमित, मैं आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूं कि लोभी राजा विरूढ़क के सहयोग से हाथ को रोकिए। कौशल और मगध उस सब के प्रतीक है जिस सबसे हम घृणा करते हैं। सत्ता के उन्मादी, बलि के नाम पर व्यर्थ पशुओं का वध करने वाले, मनमाना कर लगाकर जनता का शोषण करने वाले। क्या तथागत गौतम बुद्ध ने इन राजाओं के विरुद्ध हमें सचेत नहीं किया था? फिर आप कैसे उन सब का सहयोग कर सकते हैं? साम्राज्य प्रबल है, उसका विकास हो रहा है, हमारे लाभ की वृद्धि के अवसर भी वहां पर अधिक हैं, और यहां तो कम ही होते जा रहे हैं। अब आप ही बताइए हम क्या करें? यह एक बुरा दौर है, पर सदा ऐसा नहीं रहेगा। परिषद अपनी गति से काम करेगी, बस थोड़ा धीरज रखें। धीरज। कौशल नरेश महाराज विरूढ़क की ओर से संदेश लाया हूं। शाक्य गणराज, महाराज की सत्ता स्वीकार करें। यदि ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी शक्तिशाली और महान सेना को आदेश मिला है कि वो शाक्य गणराज्य को समाप्त कर दे। अपने स्वामी से जाकर के कहो कि हम उनकी प्रधानता अस्वीकार करते हैं, हम प्रतिरोध करेंगे। जाओ। अब शायद परिषद के सदस्य हाथ पैर हिलाने लगे। ठीक कहा, परंतु पहले तथागत महात्मा बुद्ध से विमर्श करना होगा। प्रणाम तथागत। सुस्वागत शाक्य गण के महासम्मत, आप बड़े विचलित लग रहे हैं। संकट की स्थिति मुझे आपके पास लाई है तथागत। विरूढ़क ने गणसंघ के विनाश की घोषणा की है, आक्रमण के लिए उनकी सेना तैयार खड़ी है, बताइए हम क्या करें?
आपने हमें सिखाया है कि हत्या करना पाप है, तो फिर हम उनके आक्रमण का प्रतिरोध कैसे करें? क्या शाक्य गणसंघ की परिषद अक्सर इकट्ठे होकर राज्य के संबंध में विचार विमर्श किया करती है? कई दिनों से इसमें कुछ ढील अवश्य रही है तथागत। सच पूछा जाए तो पिछले 8 माह से कोई बैठक नहीं हुई। तब तो भविष्य गंभीर है। गण परिषद अधिकाधिक बार मिलकर राज्य के बारे में सम्मत से निर्णय करती रहेगी तो ही गणसंघ शक्तिशाली हो सकता है। जाकर अपने लोगों से यही कहो। यदि वो हम पर आक्रमण करें तो क्या हिंसक प्रतिरोध की अनुमति है? मैंने कहा तो है हत्या मत करो, पर इसका अर्थ ये नहीं कि अपना बचाव भी पाप है। कौशल साम्राज्य आक्रमण करे तो प्रतिरोध करो, पर पहला वार तुम्हारा ना हो। जो आज्ञा तथागत। सुनो सुनो सुनो, कौशल नरेश द्वारा नगर के द्वार को घेर लिए जाने के संबंध में शाक्य गणसंघ की परिषद ने एक फैसला किया है। हर कोई छोटा बड़ा आदमी इसे ध्यान से सुने। कोई भी शाक्य महाराज विरुड़क या उनकी सेना पर आक्रमण नहीं करेगा। केवल आक्रमण होने पर ही उसका प्रतिरोध किया जा सकता है। जो कोई इस विशेष आदेश का उल्लंघन करेगा उसे शाक्य गणसंघ से बहिष्कृत करके नगर निकाला दिया जाएगा। शाक्यों के सभापति महानामा, कौशल नरेश महाराज विरुड़क की ओर से मैं आपका अभिवादन करता हूं। महाराज विरुड़क और उनके योग्य मंत्री अम्बरीश को मेरी शुभकामनाएं। महाराज विरुड़क का कहना है कि शाक्य संघों के प्रति उनके हृदय में ना तो प्रेम है और ना ही घृणा। वो सिर्फ ये कहना चाहते हैं कि आप उनकी सत्ता स्वीकार कर लें और उसके बाद शांति के साथ जीवन यापन करें। आपने कितनी सहजता से इस बात को रख दिया जैसे कि आपके महाराज की सत्ता स्वीकारना कोई बहुत साधारण सी बात हो। क्षमा करें, हम प्रतिरोध करेंगे, हमने यही निश्चय किया है। लेकिन कितने दिनों तक? आपकी जनता भूखों मर जाएगी क्योंकि आपका कोई भी आदमी खेतों में काम करने के लिए बाहर नहीं जा सकेगा। हमारी सेना यहां की हर चीज नष्ट कर डालेगी। यदि इस बार हमारी सेना आपके नगर द्वार में प्रवेश पाने में असफल भी हो जाती है, हम दोबारा आएंगे, बार बार आएंगे। हमें कोई जल्दी नहीं है। हमारे पास धन है, सेना है, साधन है। हम आपको थका डालेंगे जब तक आप हमारे सामने घुटने ना टेक दें। हमारे राजा बड़े हठी हैं। शायद आपके महाराज ये नहीं जानते कि वो क्या कह रहे हैं। वो इतना भी नहीं जानते कि उनकी सत्ता को स्वीकारने में हमें इतना संकोच क्यों है। आपके राज्य में हर एक व्यक्ति का भाग्य राजा के नियंत्रण में है। हमारे गणसंघ में हर व्यक्ति को मत देने का अधिकार है और हम ये अधिकार इतनी आसानी से नहीं गंवाएंगे। वर्षों पुरानी अपनी शैली को इतनी आसानी से मिट्टी में नहीं मिलने देंगे। महानामा, अपने चारों ओर नजर तो दौड़ाइए। गणों के दिन अब खत्म हो चुके हैं और जिस जीवन शैली की बात आप कर रहे हैं वो भी अब खत्म हो चली है। भूल जाइए उसे। यदि आप मेरी बात मानते हैं तो हमारे महाराज खुश होकर आपको बहुत इनाम देंगे। धन, पद, सुंदर स्त्रियां, जो आप चाहेंगे मिलेगा। द्वार खुलवा दीजिए। आप शायद अब भी नहीं समझे। आप समझते हैं कि मैं स्वयं यह निर्णय ले सकता हूं कि द्वार खोल दिया जाए, लेकिन नहीं। देखिए, इस समस्या को परिषद के सामने रखना होगा। परिषद की खुली बैठक में एक सामूहिक निर्णय लिया जाएगा। परिषद? कौन सी परिषद? परिषद तो जर्जर होकर टूट चुकी है। परिषद के निर्णय के झमेले में मत पड़ो नायक। निर्णय आप स्वयं ले सकते हैं। परिषद में इस बात को उठाने से पहले आप वादा करते हैं ना कि अगर दरवाजे खोल दिए जाएं तो किसी भी प्रकार की कोई लड़ाई नहीं होगी और ना ही हमारे किसी भी व्यक्ति को कोई तकलीफ होगी? अवश्य, मैं वादा करता हूं।
मित्रों, शाक्य गणसंघ के प्रमुख हो आप सब अच्छी तरह से जानते हैं कि आज हम क्यों एकत्र हुए हैं। नगर के द्वार पर कौशल नरेश की सेना खड़ी है। वे चाहते हैं कि हम उन्हें उपहार दें और उनके आधिपत्य को स्वीकारें। यदि हमने ऐसा नहीं किया तो हमको दाने दाने के लिए तब तक तरसाया जाएगा जब तक कि हम खुद समर्पण नहीं कर देते। वो हमसे चाहता क्या है? उसके मूर्ख पिता ने हमारे यहाँ की दासी से शादी की थी और वही दासी पुत्र हमें डराने की कोशिश कर रहा है। वो चाहता है कि नगर के द्वार उसके लिए खोल दिए जाएं ताकि वो हमारे साथ एक संधि कर सके और कपिलवस्तु में अपने साम्राज्य की घोषणा कर सके। हम उस दासी पुत्र पर भरोसा कैसे कर सकते हैं? क्या राजमुकुट के लिए उसने विश्वासघात करके अपने पिता को बंदी नहीं बनाया था? क्या प्रसेनजीत इस युग के महान सम्राट नहीं थे और अब वे कहाँ हैं? क्या आप आश्वासन दे सकते हैं कि एक बार मुख्य द्वार खुल जाने के बाद वो अपने सैनिकों को खुली छूट नहीं देगा? मेरा सुझाव तो ये है कि हमें उन्हें अंदर नहीं आने देना चाहिए बल्कि दूसरे गणसंघों को संदेश भेजना चाहिए ताकि वो हमारी सहायता के लिए आ सकें। किन गणसंघों को? कौशल और मगध नरेश तो हमें पूरी तरह मिटा देने का निश्चय कर ही चुके हैं। वाद विवाद का समय नहीं है हमारे पास। या तो हमें युद्ध नहीं करने की नीति को अपनाना चाहिए अन्यथा संधि कर लेनी चाहिए। उस समय हमने जो युद्ध ना करने का निर्णय लिया था वो ठीक नहीं था। पर ये तथागत की भूमि है और हम सब उनके अनुयायी हैं। हम किसी के प्राण कैसे ले सकते हैं? उस नीच का विश्वास ही कौन कर सकता है? कौशल नरेश वचनबद्ध हैं। उन्होंने कहा है कि यदि नगर के द्वार खोल दिए जाएं तो हमारे किसी भी व्यक्ति को कोई हानि नहीं पहुंचेगी। मुझे लगता है कि हमें नगर के द्वार खोल देने चाहिए। महासम्मत से एक सवाल करना है, खास तौर पर जब आप समर्पण का प्रचार कर रहे हैं। क्या कौशल का दूत आपसे मिलने आया था और उसने ये कहा था कि यदि आप परिषद को द्वार खोलने पर राजी कर लें तो आपको धन और सुंदर स्त्रियों को इनाम में दिया जाएगा? क्या बक रहे हो? महासम्मत का ऐसा प्रस्ताव स्वीकार कर सकते हैं? ये तो सच है कि उनका दूत मेरे पास आया था। पर ये बड़ी निंदास्पद हरकत की। मेरी पूरी बात तो सुनिए। ये भी सच है कि उसने मुझे सत्ता और धन का लालच भी दिया और वो सब भी जिसे वो बहुत महत्वपूर्ण समझते हैं, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैंने कहा कि समर्पण का निर्णय मुझे अकेले के हाथ में नहीं बल्कि परिषद की खुली बैठक में एक संयुक्त निर्णय होगा। हम आपकी बात पर विश्वास कैसे करें? हालांकि यह सच है कि यहाँ पर किसी एक व्यक्ति की बात नहीं चलती, पर कौशल राज ने आपको खूब धन दिया होगा ताकि आप फैसला उनके पक्ष में करवाएं। ये आरोप लगाने का आपको कोई हक नहीं। महासम्मत पर कीचड़ छालने की हिम्मत तुझमें कहां से आई दुष्ट? क्या कहा तुमने? इसलिए कि ये देश द्रोही है। शांत हो जाइए। ये संकट की घड़ी है। आपसी झगड़े और फूट का समय नहीं। हमें एकता भाव चाहिए। बड़े आए एकता वाले, ठंडी बुद्धि से काम लीजिए। ये हमारी एकता भंग करने का षड्यंत्र, हमें उनके बनाए हुए जाल में नहीं फंसना चाहिए। मेरा कहना तो ये है कि हमें शस्त्र उठाकर कौशल सेना के विरुद्ध युद्ध करना चाहिए। तथागत महात्मा बुद्ध के नियमों के विरुद्ध हम ये नहीं कर सकते। हमें आत्मसमर्पण करना होगा, नगर द्वार खोलने होंगे। चलो साथियों। रुकिए, शांति से काम लीजिए। परिषद को निर्णय तो ले लेने दीजिए। आर्य महानामा, परिषद को हत्या लिया हिंसा के भूखे भेड़ियों ने। वो हमारे मन को भ्रष्ट करना चाहते हैं। हमें तुरंत नगर द्वार खोलने होंगे। आओ साथियों। द्वार खोल दो। आओ, आ जाओ। मैं इन मंडी शाकों को यह बता देना चाहता हूँ राजा क्या होता है। हाँ, इन शाकों का मुंह हमेशा के लिए बंद कर दो। ये किसके आदेश से कर रहे हैं आप लोग? मेरी बात को सुनिए। रुक जाइए। हटा। रोकिए। रुक जाइए। एक एक व्यक्ति को मात्र खड़ा।
रोकिए, इस हत्या को रोकिए। आपने वचन दिया था नगरवासी सुरक्षित रहेंगे। कैसा वचन? तुम्हारे लोगों ने मेरी सेना को भड़काया है, अब वो रुक नहीं सकते। तुम्हारे ये घमंड इतने घमंडी क्यों? राजा के सामने झुकना नहीं है? नहीं, उनका विनाश होगा, अवश्य होगा। किंतु तुम और तुम्हारा परिवार सुरक्षित रहेगा। जाओ। मेरी एक प्रार्थना है, अगर आपके सिपाहियों को नर आखिर खेलने का इतना शौक है तो अवश्य खेले, लेकिन मेरी जनता को भी प्राणों की रक्षा का एक मौका अवश्य दे जाए। क्या? मैं पानी में जब तक बिना डूबे तैर सकूं, तब तक मेरी जनता को बच निकलने दीजिए। राजन, महानामा आपके पिता के पुराने मित्र हैं, इसलिए इनकी प्रार्थना स्वीकार की जाए। ठीक है, ठीक है। सिपाहियों, युद्ध बंद करो। गौतम बुद्ध भी शाक्य गणसंघ के विनाश को रोक नहीं पाए। मगध जैसे शक्तिशाली राज्य का उत्थान भी गणराज्यों को कुचलने और नष्ट करने पर ही मुकम्मल हुआ। मौर्य काल से गणसंघों का और भी पतन हुआ, लेकिन फिर भी कुछ गणसंघ चौथी सदी तक बरकरार रहे, जब गुप्त वंश ने उन्हें कुचल दिया। गणसंघों के विनाश के बाद भी गांव में जाकर बसने वाले कबायली लोगों ने अपनी कई परंपराओं को जीवित रखा, जैसे सामूहिक बैठक या पंचायत, जो आज तक कायम है। शुरू में राजा का चुनाव होता था, पर धीरे धीरे ये ओहदा पुश्तैनी हो गया और राजा के मरने के बाद उसका सबसे बड़ा बेटा गद्दी पर बैठने लगा। पुराने रीति रिवाजों की परंपरा राजा की मनमानी को रोके हुए थी। राज्याभिषेक के मौके पर राजा को जनसेवा की यह कसम लेनी पड़ती, अगर मैं आप लोगों पर ज्यादती करूं तो प्रभु मेरी जिंदगी और मेरे बच्चे मुझसे छीन ले। अहम कामों के लिए
राजा को सदा हाजिर रहना पड़ता क्योंकि राजा की इच्छा पर जन कार्य बंद नहीं किए जा सकते थे। प्रजा की खुशी में ही राजा की खुशी हुआ करती थी। जिस काम में उसे सुख मिले वो सही नहीं माना जाता था, बल्कि प्रजा का सुख ही उसे सही मानना पड़ता था। वैसे ये आदर्श बहुत कम राजा निभा सके। बहुतों ने अपनी मूर्खता की वजह से देश और प्रजा को बर्बाद कर दिया। यही वजह है कि हिंदुस्तानियों ने एक आदर्श राजा श्री राम की याद ताजा रखी है, जो समझदार भी थे, इंसाफ पसंद भी। हिरण्यगर्भा समवर्तताग्रे भूतस्य जातपतिरेकासीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। वह था हिरण्यगर्भ सृष्टि से पहले विद्यमान, वही तो सारे भूत जात का स्वामी महान। जो है अस्तित्वमान धरती आसमान धारण कर, ऐसे किस देवता की उपासना करें हम अभी देकर। जिसके बल पर तेजोमय है अंबर, पृथ्वी हरी भरी स्थापित सिर, स्वर्ग और सूरज भी स्थिर, ऐसे किस देवता की उपासना करें हम अभी देकर। गर्भ में अपने अग्नि धारण कर पैदा कर, व्यापा था जल इधर उधर नीचे ऊपर, जगा जो देवों का एकमेव प्राण बनकर, ऐसे किस देवता की उपासना करें हम हवि देकर। ओ सृष्टि निर्माता स्वर्ग रचयिता पूर्वज रक्षा कर, सत्य धर्म पालक अतुल जल नियामक रक्षा कर, फैली है दिशाएं बाहु जैसी उसकी सब में सब पर, ऐसे ही देवता की उपासना करें हम हवि देकर, ऐसे ही देवता की उपासना करें हम हवि देकर।